Reciprocated, automated, kind of touching, can't escape it. You give it right back, I hate waiting. If you feel some type of way, then you should say it. Hi, welcome to Shweta's Vlogs. So, aaj main aapko घर में ही कैसे हेयर कलरिंग करते हैं ना, वैसे ही कैसे हम स्ट्रीक्स या शेडिंग कर सकते हैं बालों को, ये बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लीच पैकेट, हेयर ब्लीच है ये, तो कोई भी पार्लर प्रोडक्ट शॉप में मिल जाएगा, और ये है डेवलपर जिसको मैं उसके साथ मिक्स करने वाली हूँ। तो दीज आर द आइटम्स विच आई नीड, और ये मैं सिर्फ अभी हाइलाइटिंग करना दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे जो बाल है मैंने उसको कलर कर दी है, जो नॉर्मल कलर होता है जैसे कि गार्नियर, तो मैंने जो ग्रे हेयर से उसको कवर अप कर दिया है। तो उसके बाद जो हाइलाइटिंग होता है, क्राउनिंग होता है या शेडिंग होता है, वो कैसे करते हैं? तो यूजुअली प्रोफेशनल जो हम पार्लर में जाके करवाते हैं तो उसके लिए बहुत पैसे लेते हैं, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू एट होम, तो फिर वहाँ पे क्यों जाना। तो मैं यहाँ पे अभी मेरे जो बाल है उसको कोम कर रही हूँ, क्योंकि टैंगल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यू हैव टू कोम योर हेयर प्रॉपरली। और उसके पहले आपको वॉश अगर एक दिन पहले ऐसे किया हो तो ठीक है, नहीं तो इफ़ इट इज़ टू स्टिकी इट इज़ बेटर टू टेक ए हेड वॉश। तो इसके बाद जो मैं अभी कोम करने कर रही हूँ उसका, उसके बाद मैं इसको कैसे हम ब्लीच करेंगे उसको मैं दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले जब हम सेल्फ करते हैं तो बहुत ही इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप पीछे का साइड नहीं देख सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसा आप कर सकते हो। तो मैं अभी एक रबर बैंड डाल रही हूँ पोनीटेल की तरह, क्योंकि मुझे जो अभी ब्लीच करना है तो सिंगल हैंडेड करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जैसे कि फ्लेम्स होता है उसके तरह मैं शेड करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। एक मैंने पोनीटेल बना ली है, उसके बाद मुझे थोड़े नीचे में ये शेडिंग करना है, तो इसलिए मैं वहाँ पे एक रबर बैंड डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन अभी बना रही हूँ, और ये रेडी हो गया है बैंडिंग जो मैंने कर रही थी अभी पोनीटेल का। तो इसके लिए अभी मैं मिक्सचर कर तैयार करने वाली हूँ। तो आई एम टेकिंग ब्लीच, एंड ये है डेवलपर, सो इसको डेवलपर बोलते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है जैसे कि हाइलाइटर कलर्स हो या शेडिंग कलर्स हो या ब्लीच हो, तो यू हैव टू मिक्स विथ दिस, ये डेवलपर है, और ये जो हार्मफुल केमिकल्स होता है उसको थोड़ा कम करता है, इफ़ नॉट योर हेयर विल बिकम टू फ्रिजी एंड डैमेज। तो ये आपको कहीं भी पार्लर आइटम्स जहाँ पर मिलता है वहाँ पर मिल जाएगा डेवलपर, अगर आप पूछेंगे तो। सो इसको मैंने थोड़ा लिया है अभी, तो इसके साथ मैं अभी मिक्स करने वाली हूँ ये ब्लीच पाउडर। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांट टू हाईलाइट माय हेयर, आई डोंट वांट टू पूरा डू ब्लीचिंग, क्योंकि ब्लीचिंग पूरा तभी करते हैं जब आपको पूरा आपका जो हेयर होता है उसको कम्प्लीटली कलर चेंज करना होता है, जैसे कि अगर आप रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर ऐसा करना है, तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे सिर्फ हाईलाइटिंग करना है अभी। तो आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटल बिट ऑफ ब्लीच। तो ब्लीच आपके हेयर के हिसाब से आप ले सकते हो, अगर आपका बहुत थिक हेयर है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, अगर थोड़ा थिन है तो कम ले सकते हो। सो जस्ट नाउ आई हैव मिक्स्ड इट वेरी वेल, क्योंकि वो थोड़ा ग्रैन्यूल्स की तरह होता है ब्लीच पाउडर, तो उसको आपको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। सो अभी मैं ये यूज़ अप्लाई करने के लिए यूज़ कर रही हूँ हैंड ग्लव्स, इट इज़ अ सेफ्टी मेजर, क्योंकि अगर ब्लीच थोड़ा हानिकारक है तो यू माइट गेट बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन, सो इट इज़ ऑलवेज सेफ आप ग्लव्स पहन ले। और अभी मैंने नेक रैपर भी डाल दिया है एप्रॉन, तो अगर आपके पास एप्रॉन नहीं है तो यू कैन यूज़ कोई भी जो दुपट्टा होता है वो आप रैप कर सकते हो। तो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग द ब्लीच मिक्सचर, तो मैं अभी इसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो इधर उधर मैं रैंडमली आई एम अप्लाइंग इट, क्योंकि
जस्ट वॉन्ट दैट स्ट्रीक्स टू लुक डिफरेंट डिफरेंट जगह में चाहिए मुझे, एक ही जगह में नहीं चाहिए. सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई फॉर हाईलाइटिंग योर हेयर. तो एक ही एक एक सेक्शन लेके आप थोड़ा थोड़ा यू कैन जस्ट अप्लाई. और याद रहे कि आप आगे और पीछे दोनों तरफ थोड़ा 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 डालते रहें. स्लोली स्लोली आप अप्लाई कर सकते हो. एंड आई एम यूजिंग ब्रश साइड. एक्चुअली मेरे ब्रश में जो है दो तरफ है, एक तो कुंभ की तरह है और एक साइड ब्रश की तरह है. सो ये मैं ब्रश में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इट हैज़ टू रीच लॉट ऑफ हेयर्स. तो ये शेडिंग करने के लिए है, तो अनइवन होना इट इज़ क्वाइट नेचुरल. सो अनइवन ही चाहिए हमें. तो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग. और ये ब्लीच जो होता है थोड़ा स्मेली होता है. इफ़ यू आर एलर्जिक टू स्मेल देन इट इज़ बेटर यू वेयर ए मास्क, नहीं तो एक कर्चीफ आप अपने नोज पे डाल लेना. बट दिस इज़ हाउ इट इज़. इफ़ यू वॉन्ट टू लुक गुड देन यू हैव टू वर्क हार्ड. तो ये थोड़ा अपने स्किन से दूरी रखो, डोंट मेक इट टच योर स्किन. उससे थोड़ा इरिटेशन हो सकती है, तो इट इज़ बेटर नॉट टू मेक इट फॉल ऑन योर स्किन. और बी केयरफुल. और ये मैं थोड़ी 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 लेके आराम से मैं वो जगह जहाँ पे मुझे चाहिए वो सब, क्योंकि मेरा जो बाल है वो बहुत ही बाउंसी है और थिक है, तो आई नीड टू अप्लाई साइड वाइज अगेन पीछे सब कुछ. आई एम टर्निंग एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट स्लोली. तो एक थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके आप जैसे मैं लगा रही हूँ यू कैन पुट इट. सो ऑलमोस्ट मैंने अभी पूरा जो मिक्सचर था उसको मैंने खाली कर दिया है ऑलमोस्ट. तो इतने आप लगा सकते हो, कितना आपके बाल के लिए चाहिए उतना आप वो हाईलाइट करके, क्योंकि हमने जो ब्लीच है वो थोड़ा ही लिया है, तो इट वोंट बी टू ब्राइट, इट विल बी जस्ट गोल्डन येलो कलर. सो अगर आपको सिर्फ हाईलाइट करना है तो थोड़ा ही आपको ब्लीचिंग एजेंट डालना है. सो नाउ आई एम फिनिश्ड एंड अभी मैं थोड़ा और ले रही हूँ डेवलपर और जो ब्लीच है उसको, क्योंकि मेरा जो आइडिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ नीचे हाईलाइट नहीं करना चाहती. आई वॉन्ट इट फ्रॉम द एबो, कि जैसे कि फ्लेम होता है ना, आग का जो फ्लेम आता है उसकी तरह मैं करने वाली हूँ. तो इसलिए आई हैव टू
आई लाइट द अपर पार्ट ऑल्सो, सो मैं थोड़ा ही ले रही हूँ यहाँ पे, आई डोंट वॉन्ट टू पुट टू मच. सो ये मैं अगेन आई एम मिक्सिंग इट वेरी वेल. आप देख सकते हो वो ब्लीच कितना थिक होता है, ब्लीचिंग पाउडर. तो इसको हमें नीट से आराम से मिक्स करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 1 to 2 minutes. तो उसके बाद ये पूरा क्रीम की तरह बन जाता है. सो दिस इज हाउ आई हैव मिक्स्ड. और मैं अगेन आई एम वेयरिंग द हैंड ग्लव्स बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट माई स्किन गेट इरीटेटेड. तो मैं अभी इसे पहनने वाली हूँ. और ये तो इसकी मुक्की हैंड्स की तरह दिख रहा है, जैसे मून वॉक में कर देना, मून सूट्स जो पहनते हैं उसमें. तो इट इज़ समवॉट लाइक दैट, वेरी अनकम्फर्टेबल तो है, फिर भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर स्किन. तो अभी मैं इसको क्या करने वाली हूँ, जो हमने पोनी टेल बनाया था तो इसे अभी ये सेक्शन जो है थोड़ा ड्राई हुआ है तो मैं इसको निकाल रही हूँ. यू हैव टू पुट दिस ब्लीच अराउंड 30 to 40 minutes आपको जो शेड चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमने थोड़ा ही एजेंट डाला है तो इट वॉन्ट बिकम टू ब्राइट. सो एटलीस्ट 30 to 40 minutes आपको इसे लगा के रखना पड़ेगा. तो हैंड्स के बिना कवर्स डाल के रबर बैंड निकालना बहुत ही मुश्किल काम है बिकॉज इट स्लिप्स. बट एनीवेज ऑलरेडी हमने ब्लीच लगा दी है तो इसलिए इट इज़ बेटर टू रिमूव विद द कवर. तो मैंने अभी जो पोनी टेल डाला था उसको भी मैं निकाल रही हूँ. तो मैंने अभी निकाल दिया है और नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज अ क्राउनिंग पार्ट. सो इसको जो अभी डिवाइड करके हमारे बालों को करते हैं उसे बोलते हैं क्राउनिंग. सो क्राउनिंग पार्ट वही होता है जो आपके सिर के ऊपर होता है एंड व्हेन यू डिवाइड योर हेयर. तो बालों को मैंने अभी डिवाइड कर लिया है परफेक्टली हाफ हाफ. तो ये आपको थोड़ा अच्छे से करना चाहिए विथ योर कुंभ. और उसके बाद मैं अभी ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा एंड आई एम अप्लाइंग इन दिस वे. तो मैंने बताया था मेरे ब्रश में दो पार्ट से, एक था ब्रश और अभी जो मैं लगा रही हूँ ये कुंभ साइड का है. तो कुंभ साइड में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रीक्स की तरह वो हाइलाइट्स चाहिए. क्योंकि अगर मैं ब्रश में डालूंगी तो एक साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है. तो अगर आप ब्रश में हेयर ब्रश में अगर आप करेंगे तो एक एक ब्रश से दूसरे ब्रश तक जितना आपको बाल उसके अंदर जाएंगे उतना आपको स्ट्रीक्स मिलेगा. सो इट विल बी वेरी इवन, जैसे कि लाइन होता है वैसे ही आप जब कुंभ में अप्लाई करते हो तो वही जगह पे वो लगता है. तो दिस विल लुक लाइक ए स्ट्रीक्स. सो मैं वही कर रही हूँ. तो आई एम अप्लाइंग इन माय ब्रश साइड. तो आपको भी ब्रश साइड ही इसको अप्लाई करना है. तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है, फिर भी अगर आपको करना है. मैं यूजुअली किसी पे डिपेंड नहीं होती, जो मेरा काम होता है मैं आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ एंड आई लाइक टू डू इट माई सेल्फ माई वे. क्योंकि अगर मैं किसी और का हेल्प लेती हूँ जैसे कि हस्बैंड, उनको जो मैं बोलूँगी वो उनको पता नहीं चलेगा. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर वी डू आवर सेल्फ. इफ़ नॉट यू कैन टेक द हेल्प इफ दे आर डूइंग आर विलिंग टू. तो यूजुअली उनको पता नहीं चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं. क्योंकि अगर आप पार्लर में जाते हो तो वहाँ पे प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे ये सब होता है. बट इफ़ यू टेल टू योर हस्बैंड ही माइट फील अरे इतना क्या करना है काम. सो इट इज़ बेटर बिकॉज वो तो कभी पार्लर आते नहीं हैं.
सो दे वोंट बी नोइंग हाउ इट वर्क्स. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना खुद का काम कर लें इफ़ यू आर ओके विद दैट एंड ईजी टू डू इट. थोड़ा डिफिकल्टी तो होता है, फिर भी आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई वर्क एंड माई सेल्फ, बिकॉज जो मुझे चाहिए जैसे मुझे चाहिए मैं वैसे ही करती हूँ एंड आई नीड नॉट इंस्ट्रक्ट इट एनी वन. सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी. तो मुझे तो खुद ही करना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं अभी जो स्ट्रीक्स है वो मेरा बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो चुका है एंड यू कैन सी हाउ नाइसली मेरा बाल जो है वो मैंने पूरा अच्छे से कॉम किया है. तो इसलिए यू आर नॉट फीलिंग एनी टैंगलनेस. तो टैंगल नहीं होंगे तो आपका जो कॉम है वो आराम से फ्रीली इट विल स्वाइप आउट. सो वैसा ही आपको पहले ही कॉम करना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ इट शुड गो आउट. सो ऊपर से नीचे तक मैं कुंभ कर रही हूँ तो इट विल इवनली स्प्रेड इन टू माई हेयर. सो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है. तो अभी क्या करना है, यू हैव टू जस्ट वेट. जहाँ जहाँ पे आपको लगा कि ये नहीं हुआ है तो यू कैन अप्लाई इट. और जो नीचे के पार्ट है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है. अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू जस्ट पिन इट अप. और क्योंकि अगर खुला रखूँगी तो स्किन पे सब आ जाएगा, फेस पे सब आ जाएगा. तो इट इज़ बेटर टू पिन इट अप. पीछे की तरफ मैंने अभी इसको मैंने पिन कर दिया है एंड ऑल आई कैन डू इज़ वेट फॉर 30 मिनट्स सो दैट इट विल गेट प्रॉपरली ड्राइड. तो अभी मैं ये मसाज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अनइवन जो स्प्रेड हुआ है तो उसको थोड़ा मुझे अंदर तक डालना है. तो मैं थोड़ी उसको ऐसे ही मसाज कर दिया है. तो अभी मैं जो ऊपर ऊपर स्प्रेड हुआ है उसको इवनली स्प्रेड कर रही हूँ. अगर ऐसा कुछ आपके बाल में ब्लीच है तो आप यू कैन जस्ट कुंब इट प्रॉपरली. तो आई एम जस्ट वेटिंग so that it gets dried and then I'll wash it off. So this is how it is looking as of now. मैंने 2 दिन पहले ही हेयर कलर किया था तो उसके बाद मैं ये कर रही हूँ. यूजली क्या होता है, पार्लर में जाओगे तो वो एक ही दिन में कर लेते हैं. तो they'll apply wash. तो हम यहाँ पे आराम से कर रहे हैं तो इट विल टेक 1 or 2 days. तो मैंने अभी वॉश कर लिया है. जो आपका शैम्पू होता है आप वो यूज़ कर सकते हो थोड़ा, और कंडीशनर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना क्योंकि ब्लीच जो है वो बालों को थोड़ा फ्रिजी बना ही देता है. तो इट विल बी बिट रफ, सो इसलिए आपको थोड़ा कंडीशनर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. और यू कैन सी हाउ नाइसली द कलर हैज़ कम. तो अब यू कैन मेक इट आउट राइट, कितने डिफरेंट दिख रहा है जो मेरा पहला कलर था और ये जो अभी है इसका जो कलर है वो पूरा ही डिफरेंट दिख रहा है. तो नाउ यू कैन मेक आउट हाउ द डिफरेंस इज. एक्चुअली कैमरा से अच्छा आप रियल में देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट दिखेगा, बट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इट हाउ इट इज़ लुकिंग. हाइलाइट्स जैसे दिखता है वैसे है ये, एंड इट इज़ रियली रियली लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. एंड स्ट्रीक्स जो मेरे ऊपर से मैंने लिया था वो भी बहुत अच्छा है. और नज़दीक से आप देखोगे तो गोल्डन जो कलर है, ऑरेंजिश कलर जैसे आया है, इट इज़ वेरी नाइस. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये है हाइलाइटर. तो यूजुअली जो स्ट्रीक्स बनते हैं रेड कलर का, ग्रीन कलर का, तो इसी तरह के कलर्स में वो बनता है. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन दिस बॉक्स. तो ये आपको कहीं भी पार्लर के शॉप में मिल जाएगा हाइलाइटिंग कलर्स अगर आप पूछेंगे तो. तो इसके अंदर एक ट्यूब है और एक ये है हेड कैप अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो. एंड इसके साथ है एक ट्यूब और लीफलेट उसके अंदर होता है कि आप एक कैसे यूज़ कर सकते हो. तो रीड द इंस्ट्रक्शंस. और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल डेवलपर. मैंने बताया था आपको कोई भी कलर अगर आप यूज़ करना चाहें तो डेवलपर के साथ आप यूज़ कर सकते हो. तो यूजुअली ये अगर ब्लीच आपने पूरा पैकेट यूज़ करके उसको ब्लीच किया है तो इस कलर अगर आप अप्लाई करोगे तो पूरा हेयर कलर जो होता है वो कलर चेंज होता है. पर मुझे वो नहीं करना है, आई टोल्ड यू मुझे सिर्फ फ्लेम की तरह शेडिंग करना है. तो मैं क्या कर रही हूँ,
इसको मैं थोड़ा ले रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट पुट द एंटायर ट्यूब, मुझे सिर्फ नीचे जो मेरा हेयर है वहाँ पे रेड करना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्लेम जब आता है नीचे रेड होता है और ऊपर ऊपर वो येलोइश होता है, तो दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू डू। सो ये मैं अभी ले रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक है तो आई नीड अ बिट मोर। सो इसको आप एक मार्क में यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 times 4 times ये यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने लिया ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ट्यूब, तो मैंने इतना ले लिया है। एंड अदर थिंग यू कैन जस्ट कैप लगा के ऐसे ही रख सकते हो, नेक्स्ट यूज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा हेयर कलर से थोड़ा ज़्यादा होता है रेट, फिर भी इट इज़ ओके इफ़ यू वांट टू लुक गुड। तो आपको ट्राई करना है नया चीज़, तो आपको थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा। तो ये है मेरा डेवलपर जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, उसमें बचा है, तो आई एम यूजिंग दिस। तो इसको मैं अभी निकाल के इसके साथ मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स करना चाहिए आपको, वो जो क्रीम होता है उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए ये यूज़ किया जाता है, एंड इट विल बी सेफ ऑल्सो। तो ये है मेरा दो डेवलपर है वो तो ख़त्म हो गया, आई हैव वन मोर तो नॉट एन इश्यू। तो ये इतने के लिए इतना बस है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1/4 अमाउंट ही लिया है, तो दिस मच इज इनफ आई थिंक। तो इसको मैं अभी अच्छे से मिक्स करना जा रही हूँ। यू हैव टू मिक्स इट वेरी वेल कि जो है वो क्रीम वो लिक्विड लाइट स्मूथ होना चाहिए। So I am just mixing it properly. सो मिक्सचर भी रेडी है एंड आई एम गेटिंग रेडी। सो मैं अपने रैप ऑन या वेयर कर रही हूँ, अगर नहीं है तो आप कोई भी पुराना वेल दुपट्टा यूज़ कर सकते हो या कपड़ा यूज़ कर सकते हो, अगर मैं अगर पड़ा है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस टाइम आई एम जस्ट कुमिंग माई हेयर एज यूजल। मैंने आपको बताया था टैंगल्स नहीं होने चाहिए, एंड आफ्टर कोम्बिंग इट नाइसली आप कलर देख सकते हो, मैंने जो किया था हाईलाइटिंग वो बहुत ही अच्छे से आया है, एंड यू कैन मेक आउट हाउ नाइस इट इज़ लुकिंग। तो पूरा येलो जो दिख रहा है नीचे, वहाँ पे मैं अभी रेड कलर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2 halves, क्योंकि मुझे अभी पूरा कलर करना है नीचे, तो आई कांट डू इट ऑन 1 साइड। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरा जो बाल थिक है बाउंसी है तो आई कांट रीच एवरी पार्ट, तो मैं इसको हाफ ऑफ कर रही हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर मी टू अप्लाई। तो अच्छे से आपको कोम करना पड़ेगा, नो टैंगल्स शुड बी देयर। और ये मैंने एज आई टोल्ड यू, इफ यू गो टू पार्लर दे विल डू इट इन वन डे, लाइक एक बार कलर लगाते हैं फिर स्ट्रीक्स लगाते हैं, देन वो दे वॉश ड्राई वैसे होता है, बट वेन वी आर डूइंग एट होम वी कॉन्ट डू इट लाइक दैट। सो मैंने एक दिन कलर लगाया था, 2 दिन के बाद मैंने वो क्या है ब्लीच लगाया था, अभी दूसरे दिन आई एम पुटिंग द कलर। यूजली टेक बाथ ऑन मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे, तो मैं उसी हिसाब से ऑल्टरनेट डेज में ये कर रही हूँ। नाउ आई एम पुटिंग ऑन द ग्लव्स, सो इट इज़ ऑन सेफ्टी साइड बिकॉज कलर्स है स्किन पे रिएक्ट हो सकता है, एंड दूसरा सेंसिटिव स्किन एंड ऑल, यू शुड बी बिट केयरफुल ओनली, सो इट्स बेटर टू वेयर ग्लव्स। तो ग्लव्स मैं अभी पहन रही हूँ, आपको मिल जाएगा कहीं पे भी ये। इफ यू डोंट हैव दिस यू कैन गो फॉर मेडिकल ग्लव्स, जो कहीं पे भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है, ऑपरेशन ग्लव्स बोलते हैं उसको, सो यू कैन बाय एंड कीप इट वन। तो मैं ये अभी रबर बैंड डाल रही हूँ, आई हैव टू रिमूव माई ग्लव्स क्योंकि स्लिपरी होता है, सो दिस साइड ऑल्सो आई एम जस्ट पुटिंग द पोनीटेल। प्रॉपरली आपको पोनीटेल डालना पड़ेगा क्योंकि इट शुड बी टाइट एंड इट शुड बी प्रॉपरली पिंड,
सो दैट आप जो कलर डाल रहे हो तो इधर उधर ना हो. सो दिस इज माई टू पोनीटेल्स लुकिंग क्यूट राइट. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो नीचे का पार्ट है उसको हम कलर करते हैं. तो वेयर अप योर ग्लव्स एंड वी आर ऑल सेट टू डू इट. तो उसके बाद मैं अपने हाथ और दूसरे हाथ का भी पहन लेती हूँ. दिस इज़ वेरी ट्रिकी. अगर आप ये ग्लव्स यूज़ करते हो तो पता होगा ये कितना मुश्किल काम है इसको ऐसे निकालना. ये इतना स्टिकी होता है और इतना यहाँ वहाँ जाता है कि आप इसको ओपन करना बहुत ही टास्की है. बट एनीवेज आई एम डन. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं अभी इस पॉइंट से मैं अभी इसको कलर करने वाली हूँ. प्रॉपरली आपको ये रखना पड़ेगा. अगर इफ़ यू गेट कन्फ्यूज यू कैन पुट वन मोर बैंड ओवर देयर. मुझे पता है इसलिए मुझे थोड़ा इट्स ओके. क्योंकि मुझे पूरा एक ही तरफ नहीं चाहिए. मीन्स इन ए प्रॉपर लाइन मुझे ऊपर नीचे ऐसे ही चाहिए, अनइवन चाहिए. इसलिए मैंने बैंड नहीं लगाया है. क्योंकि अगर फ्लेम्स जब इफ़ यू सी द फ्लेम्स इट वोंट बी इवन. तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए. तो आई एम जस्ट रैंडमली अप्लाइंग फ्रॉम दैट पॉइंट. बट अगर आपको पॉइंट याद नहीं रहेगा इस साइड करने के लिए देन यू कैन यूज द बैंड. सो इसको अच्छे से आपको कलर करना पड़ेगा ईच एंड एवरी इंच ऑफ योर हेयर. क्योंकि If it is not colored properly, then थोड़ा black दिखेगा, थोड़ा red दिखेगा, तो it won't be that nice. So it is better to apply section by section. मैं पूरा उसको apply कर रही हूँ. अभी दूसरा साइड भी हम स्टार्ट कर लेते हैं. एंड यू सी द प्रॉपर पॉइंट और वहाँ से आपको पकड़ के यू हैव टू अप्लाई द कलर प्रॉपरली एज वी डिड टू द अदर साइड. तो उसी हिसाब से इस साइड भी आपको करना पड़ेगा. अगर इफ यू गेट कंफ्यूज्ड यू कैन फॉलो दैट. और ये है, दिस इज द पॉइंट वेयर आई हैव पुट. सो यहाँ से मुझे अभी कलर डालना पड़ेगा. एंड आई एम जस्ट डूइंग इट प्रॉपरली फ्रॉम ब्रश साइड. क्योंकि ब्रश में ईजी होता है कलर स्प्रेड करने के लिए. सो आई एम पुटिंग फ्रॉम माई ब्रश साइड एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट प्रॉपरली. Thank you.
तो ऑलमोस्ट मेरा अप्लीकेशन हो चुका है एंड वेर एवर यू फील यू हैव नॉट यू कैन अप्लाई. अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मिक्स करके आप अगेन यू कैन अप्लाई. इफ़ नॉट यू कैन डू दिस वे कि आप थोड़ा हाथ में से उसको मसाज की तरह करेंगे तो इट विल स्प्रेड इवनली इन टू एवरी पार्ट. तो मैं ये अभी कर रही हूँ, जो भी कुछ बचा कुचा कलर है उसको मैं निकाल के ऐसे मसाज कर रही हूँ तो इट विल गो इन टू हेयर प्रॉपरली और कलर बहुत ही अच्छे से अंदर तक जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. ऑलमोस्ट मेरा एप्लीकेशन हो चुका है एंड इट विल बी वेरी मेसी. थोड़ा तो मेसी होता ही है क्योंकि यू कैन मेक आउट अगर हम कलर डाल रहे हैं उसके बाद वो अपने जो रैप है उसके ऊपर गिर रहा है तो ऑलमोस्ट इट विल बी टू स्टिकी और थोड़ा स्मेली भी होता है. तो अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ बेटर टू सिट इन बालकनी और जहाँ पे एयर रिएशन हो तो वहाँ पे बैठ जाइए क्योंकि यू माइट गेट सफोकेटेड इफ़ द कलर स्मेल इज़ नॉट टू गुड. आपको अच्छा नहीं लग सकता शायद. और बच्चों से थोड़ा दूरी रहना अच्छी बात है क्योंकि दे माइट गेट सफोकेटेड और दे माइट ट्राई टू टच यू और द कलर और समथिंग लाइक दैट. और अगर बंद कमरे में अगर आप कर रहे हो तो जो भी कमरे के अंदर आएगा उसको तो बहुत ही बुरा लगेगा स्मेल. तो इट इज़ बेटर टू सिट इन बालकनी ओपन एयर प्लेस पर सनलाइट में मत जाएगा क्योंकि नो कलर्स शुड बी एक्सपोज टू सन. तो जो भी कलर है ब्लीच है जो भी करना है शेड में बैठ के करिए प्लीज़ और सन में मत एक्सपोज दैट. सो दैट इज़ वन इंस्ट्रक्शन. और मैं अभी ये निकाल रही हूँ एंड यू कैन सी माय हैंड इज अ बिट डर्टी बट इट्स ओके. यू हैव टू जस्ट वॉश इट ऑफ और आई एम जस्ट रिमूविंग द बैंड. ये अगर आपकी स्किन हेटिक है विथ केमिकल्स देन यू कैन डू इट बाय हैंड. इफ़ नॉट इट्स बेटर टू रिमूव जब आप ग्लव्स पहने हो तभी. बैंड के बारे में मत सोचिए, बैंड विल बी वॉश्ड ऑफ और वो क्लीन भी हो जाता है पर आपके हैंड्स जो हैं अगर कुछ सेंसिटिव है तो आपको एलर्जी हो सकती है. सो इट्स बेटर टू रिमूव विथ द ग्लव्स. मेरा स्किन थोड़ा ठीक है विथ केमिकल्स सो आई कैन टेक द चांस. सो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ. जो लेफ्ट आउट है वो आप ऊपर के जो क्राउन पार्ट है वहाँ पे डाल सकते हैं तो इट विल लुक अ बिट 3D ऑल्सो. तो मैं अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग. आई एम अप्लाइंग फ्रॉम द ब्रश साइड कुम साइड. तो ब्रश से अच्छा कुम में इसको यहाँ पे ऐसे थोड़े मैंने ऊपर का जो जगह है उसको छोड़ के मैं ये अप्लाई कर रही हूँ तो इट विल लुक लाइक शेडेड वन. तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई ऑन ऑल द साइड्स. अगर आपके कलर बचा है तो यू कैन डू दिस. और ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल का काम है कलर जो लगाना है तो आपको अकेले लगाना है तो टेक योर ओन टाइम एंड डू इट नाइसली. डोंट गेट यू नो टू स्ट्रेस्ड क्योंकि अगर आप आराम से नहीं करेंगे तो यू विल रियली फील वर्स्ट एक्सपीरियंस इसको डालने में. सो इट इज़ बेटर टू बी हैप्पी एंड डू इट आराम से नॉर्मली. तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही.
सो ऑलमोस्ट इसको भी आपको 30-40 मिनट्स तक आपको इसको ड्राई करना पड़ेगा एंड यू कैन सी द कलर इज चेंज्ड एंड आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा हो रहा होगा, दिख रहा होगा, रेड रेड दिख रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू. जो नीचे है वो रेड होगा और बीच में जो है वो गोल्ड होगा और ऊपर अगेन इट विल बी माई कलर जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ वो है बर्गंडी कलर. सो ये पूरा 3 कलर का मिक्सचर होगा एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग एज ऑफ नाउ. और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट फॉर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के ऊपर मत रखिएगा, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और बाल भी जड़ सकते हैं. सो आफ्टर वॉच दिस इज़ वॉट माई हेयर इज लुकिंग लाइक. और देख सकते हो आप नीचे वो रेड रेड है और ऊपर गोल्ड कलर हो चुका है. ये ब्लीच का कमाल है एंड नीचे यू कैन सी रेड कलर एंड बीच में गोल्ड कलर एंड ऊपर अगेन इट इज़ लाइक बर्गंडी. सो दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू डू एंड इट इज़ परफेक्ट. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एफर्ट डालने पर आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन यू लिव योर हेयर. और पोनी टेल भी डालेंगे तो भी अच्छा दिखेगा. अंदर मेरा कलर वैसे ही है सो इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ सो मेनी कलर्स. सो बहुत ही अच्छा दिख रहा है एंड इफ यू पिन ऑल्सो इट लुक्स गुड. आपको कैसे लगा